विद्यार्थी परिषद इकाई नामली द्वारा माननीय सांसद महोदय गुमान सिंह डामोर को नामली महाविद्यालय की स्थायी बिल्डिंग व अस्थायी भवन में व्याप्त समस्याओं एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर ज्ञापन के माध्यम में अवगत कराया गया और इस विषय पर रतलाम ग्रामीण विधायक महोदय दिलीप जी मकवाना से भी चर्चा की गई। ओरिजिनल क्वालिटी देख रहे हो फोर के मीडिया में नहीं आ रहा शिवराज सिंह जी चौहान जब सामने आए थे तब उन्होंने नामली नगर को महाविद्यालय की सौगात दी थी। विद्यालय अभी अस्थायी भवन में चल रहा है लेकिन कोई वहाँ पर सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय में फर्नीचर की भी अभाव है, सिर्फ दो कमरों में काम संभलता भी नहीं और वापिस चला जाता है महाविद्यालय में सफाई तो भी उसकी व्यवस्था की जाए और मेन मुद्दा है कि महाविद्यालय प्रारंभ हुए 3 साल हो गए स्थायी भवन भी शासन महाविद्यालय की सौगा के लिए लेकिन भवन निर्माण का कार्य आज तक चालू है। शायद क्या होता बड़ी थी नहीं बड़ी थी रुके तो स्थायी भवन का निर्माण नहीं कर सकते हमें।